अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको ओरियो मिल्कशेक बनाने की रेसिपी दूंगी। ओरियो मिल्कशेक बहुत ही मज़े का, ये एक्चुअली बिस्किट्स का नाम है ओरियो, जिसका हम मिल्कशेक रेडी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो आपने ये बिस्किट्स लेने हैं, मार्केट में आपको ईजिली ये मिल जाएंगे। 10 बिस्किट्स लिए मैंने, 2 ग्लास मिल्कशेक के बनाऊंगी। उसके अंदर मुझे कोई भी आप आइसक्रीम ले लें, चॉकलेट आइसक्रीम इसके अंदर मैं डालूंगी। ये देखिए मेरे पास 3 किस्म की यहाँ पे आइसक्रीम है, लेकिन ये दोनों नहीं, मैं सिर्फ इसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम यूज करूंगी। तकरीबन मैं इसके लिए 4 to 5 स्कूप जो है वो इसके अंदर यूज करूंगी। साथ ही मैंने ये मिल्क लिया है, मिल्क में 1 ग्लास ऐड करूंगी, जो कि आइसक्रीम डाल के बिस्किट डाल के तो ये 2 ग्लास मिल्क शेक हमारा रेडी होगा। फिर आइए अब मैं अपने मिल्क शेक की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर 1 ग्लास जो है वो मैं मिल्क ऐड करूंगी। बहुत आसानी से ये बन जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप जो चाहे फ्लेवर बना सकती हैं। अगर आप चॉकलेट का मिल्क शेक बनाना चाहती हैं तो वो आप ले सकती हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि बिस्किट्स को इसमें डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, वो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने बिस्किट डाले इसके अंदर, फिर मैंने इसके अंदर ये मिल्क का 1 ग्लास डाला, फिर इसके अंदर ये आप आइसक्रीम ऐड कर दें। आइसक्रीम स्कूप को हमेशा निकालते वक्त आप पानी का ग्लास पास रखें, ताकि उसको थोड़ा सा वेट करें, तो फिर आपकी इजीली जो आइसक्रीम है वो निकल जाएगी। अगर आपके पास स्कूप नहीं भी है तो आप स्पून भी यूज कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसी से निकालनी है। अगर आपने ग्लास में आइसक्रीम को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करना है तो फिर आप स्कूप यूज कर सकती हैं। जी, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हाँ जी, तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसको ग्लास में डाल के, तो साथ आपने ये 2 बिस्किट या 1 बिस्किट साथ रख के, तो आपने मेहमानों को या अपने बच्चों को या खुद पीना है तो आप इस तरह से आप दे सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये आपको मिल्क शेक, ओरियो मिल्क शेक बहुत ही